आपने अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। भाई टेस्ट कराओ और गोली मारो। मेडिकल तैयार हो? बिल्कुल जी, इसमें क्या शक है जी, जब मैं सच्चा हूँ तो सच्चा हूँ। ये तो इसने बचा लिया, मैं जब खबर पड़ी भी मीडिया ने ऐसे ऐसे लिख दिया है, ये नोली मेरा क्या होगा जब मैं घटिया हूँ जी, नहीं तो मैं खबर पड़ती ऐसे ही। उल्लास रहने जो देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने भाई, सुरेंद्र कुंडू की राम राम भाई। आपने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहला एक मामला देखा होगा कि एक बेटी से बाप मसाज करवाया जावा है, ये आरोप लगाए जाओ भाई। लेकिन आज जो कैमरे के सामने भाई, बाप कैमरे के सामने आया है, क्या पूरा मामला है भाई, उस पर बहुत कुछ आरोप लगाया जावा है कि भाई वो अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है और मसाज करवाता है, बहुत कुछ उस पर लगाया है। लेकिन आज वही बाप आज कैमरे के सामने आया है, उससे बात करेंगे भाई, क्या कुछ मामला है भाई, पूरा क्या मामला है भाई, वो हम आपको दिखाएंगे जो वो बाप आज कैमरे के सामने आया है। चलिए उससे बात करते हैं, वो अपना पक्ष में क्या रखना चाह रहा है, आइए उससे बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? अमित कुमार जी। अमित कुमार, सुंदरपुरा गाँव। आपका ऊपर आपकी बेटियां ने आरोप लगा रखा है कि आप उन पर जो नंगन अवस्था में नंगनों का मालिश करवाओ हो, आप उनकी सेक्सुअली हरासमेंट मतलब उनके साथ कुछ गलत तरीके का मतलब पेश आओ हो, उन्हें पीटो हो, बाहर कैट दियो हो, और आपने अपनी पत्नी को मारा है, कि कुछ की सच्चाई है इसमें? सच्चाई कुछ नहीं जी, बच्चे कहना नहीं मानते। मैं बार बार मेरे पिताजी द्वारा भी फ़ोन करूँ हूँ, वह बच्चे ने समझा दो, मेरे भाई द्वारा भी करे मैंने फ़ोन, मैं बच्चों से भविष्य को लेकर चिंता में हूँ कि मेरे बच्चे गलत चलन लग रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं। किस तरह जैसे स्कूल में स्कूटी दे दी भाई, स्कूल से लेके बेटा एड तक ही आना है तमने, आपने स्कूटी दिलवा दी है? हाँ, स्कूटी दिलवाई थी, अब तो वह प्लस टू पास हो गई है। उसके बाद हुआ डुआना खेड़ा, पता नहीं किसके पास चली जावे है, फिर ओड़ा मैं तहकीकात करके आया हूँ, वाकई में गई थी। हाँ, बच्चे कहना कौन मानते हैं जी, कपड़े उठा लिया कदे कदे किसी के, किसी के घर में था, मैं कहूँ बेटा और ना उठा कर लिया, पीछे निकाल दिया है, फिर मारा दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मैं पूछूँ भाई पीछे किसने निकाले हैं, मतलब मैं तंग हो रहा था और इसलिए थोड़ा बहुत मैंने थप्पड़ मार दिया जी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन नहीं हुआ था जी, उससे 6-7 दिन पहले हुआ था। मैं कहा भाई तमें है नहीं कहना मानो, और अभी घर की बात बाहर मत बताओ, तो बच्चे ने भाई अगले दिन ही बता दिया। क्या थी घर की बात? हुआ जिस दिन आप घर की बात कुछ नहीं थी जी, या जावे थी काम करने दिल्ली, ठीक है जी, स्पष्ट ये है काम कुछ हो जी, इसे ने पता है जी, काम कुछ भी पास मिल जाए मतलब। तो उसने जाकर एक लेडी जा गए बताया है, मैं वैसे ही आने लग रहा था, वैसे आने लग रहा था, नुबली आगे के हुआ उड़ता है दिल्ली तय, मैं बोले तन्ने किसने बताया उस लेडी से ही मतलब, नुबला मैं बोले तन्ने किसने बताया, नुबला मोगली कभी थी मैंने तो आपकी लड़की है मोगली। हाँ, तो फिर मैं इस पर थोड़ा मैं भाई इबे तो कहा था मैंने एक दिन होया, मतलब कहना कौन मान दे, हर छोटी छोटी लैटरिंग मैंने बच्चे का भविष्य लेके चिंता है जी, और चिंता है तो मैं कह सकूँ हूँ, मतलब अगर मैंने नहीं चिंता तो मैंने क्या सोचा है भाई। आप उनका गला छेड़खानी करो हो, आप उनसे मालिश करवाओ हो, गलत नजर है तो उनसे देखो हो, ये जब झूठ है बात, ये सारी झूठ है जी। और जो मान ले मालिश बनाया है इन्होंने एक प्रक्रिया, मैं आपके समक्ष दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए मेरी टांग, ध्यान से फोकस करो जी, मेरा कुछ बीमारी है जी, कोई बच्चा से लगवाता हूँ दुआई, बच्चा से दुआई लगाऊँ या तेल लगा दूँ, तो उसको के कमा है कि मालिश कर रहा है, ऐसे ही मतलब बच्चे झूठ बोलते जान लग रहे हैं मेरे कहने से बाहर है। उसका दादा ने बुका रखे हैं जी, कद पीछे से कदे जा रहा है, हाँ उस कदे वो पीछे से 1000 रुपये दे जे है, कदे चीज़ दे जे है, मेरा कहना नहीं मानते जी, मतलब के टारगेट है मेरे पिता का मेरे को नहीं पता है, भाई यहाँ से निकालना चाहे है क्या चाहता है मेरे को नहीं पता, मतलब मैं बार बार मेरा पिता कभी कहना मानने को नहीं, तीन भाइयों के बीच भी लड़ाई कराई, गांव के अंदर बीच में चारों भाई लड़ाए हैं उसने, कोरोना काल के अंदर भी मैं भाग के खेत में भी गया हूँ। सुनो सर, आपने अपनी बेटियों में भी कह दिया भी ये झूठ बोल रहे हैं, आपने अपना पिता पे भी आरोप लगा दिया कि वो जो करवा रहे हैं सारा कुछ है, तो आप सही हो है? मैं तो बिल्कुल सही हूँ जी, इसमें के हज में बच्चे के लेके सोच है कोई भी, आप एक और आरोप लगा रखे आपने अपनी जो
जो फर्स्ट वाइफ थी उसका आपने मर्डर कर जहर दे दिया। नहीं आपकी वो बेटियां कहने लग रही है, मीडिया मैं बताऊंगा जी, मैं तो अंदर था ठीक है, वह मर गई थी खा पी के ठीक है। मेरा बाप ना हाथ जोड़ का कहा था बेटी मेरे मन ने तो बचा ले और तू इसके खिलाफ कुछ भी लिख दे, वही था वही था, सपरा पी लिया था उसने जो पालकी बू ने देकर गई थी, पालकी बू देकर गई थी ठीक। आज हुआ मेरा उससे बदला लेने के लिए आगे हो रही है, वहाँ बार बार आगे हो रही है इस सच्चाई की, उसका दो मारो जूत अपना पता लग जाएगा जी किसने दिया था। वह ठीक थी नहीं तो ठीक थी, बढ़िया थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर वह बुकाम थोड़ी चल पड़ी थी। नहीं पहले तो करे था ऐसी बात नहीं, मैं बोलना छोड़ दिया था एक महीना पहले, जब वह कुछ समझ में आकर उसने पी लिया था जी, अपने आप पिया था जी। हाँ रह गया जी, बरी होगा उस पर हो। नहीं चल रहा केस तो। अच्छा केस चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा। और ये भैया बात भी को थोड़ा जमीन जमान का बस अभी कुछ में आया था उसमें मैटर, जमीन का तो देखो जी ये मेरे पिता लड़वा है जी चारुआ ने, कदे तो तीन हिस्से कर दिया कदे चार कर दिया। मैंने मेरे पिताजी से कहा था भी सारे ने इकट्ठे बैठ कर जो जो जिसका जिस हिस्सा आवा है उसे तरिया बांट दे, चारा में कर, मैंने भाई चाहिए जमीन नहीं चाहिए मेरे को ठीक है ना जी। अच्छा आपने अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं कराया भाई, टेस्ट कराओ और गोली मारो जो पॉजिटिव आओ तो मेडिकल आप तैयार हो। बिल्कुल जी इसमें क्या शक है जी, जब मैं सच्चा हूँ तो सच्चा हूँ, ये तो इसने बचा लिया। मैं जब खबर पड़ी पे मीडिया ने ऐसे ऐसे लिख दिया है ये नोली मेरा क्या होगा जब मैं डटिया हूँ जी, नहीं तो मैं ख़त्म था मैं भी, ये खबर पड़ते ही ऐसे ही कभी वो लिखाओगे कदे कवा हो निन्ना करा कदे कि मैं कवा बच्चा ने तो किसी डाल मोड़ लियो जी चीज देख जो अड़ोसी पड़ोसी भी छोरी अगला लाग रहा आपकी बेटिया अगला ये तो रोला है जी। मैं किसी का जानता को नहीं ठीक है जी, मैं किसी का नहीं जानता। अरे भैया गाय ले आने के बाद बच्चे बाहर निकलेंगे, इससे पहले ठीक चल रहा था, जैसे ही बच्चे बाहर निकले ये अड़ोस पड़ोस ने गणेशो है जिस तरह और भी कही कालू है सबसे मेन तो ठीक है उसने यह गेम रचाई है उसका दादा कहने से ठीक है, वो बका रखे हैं ये बच्चा ने बुढ़ होगा तो की मैं कुआ लू जी। यो गेम सारे आपने कालू का और भी नाम है इसमें पै दिए हैं। हाँ है आया था, है देता है। आए थे मेरे पास कालू भी हमेशा कुछ करता है ये उसका दादा कहने से सिस्टम है जी कोई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो अब भी परेशानी हो रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। कन्फ्यूज हो आप भी? हाँ कन्फ्यूज में तो मरता मरता पैसा है आपका कुछ सोना चांदी हो हड़पना चांदी हो जब तो कोई साजिश रच है भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी मैं ले लूँगा ऐसी बात नहीं, मैं सच्ची बोलूँगा जो बोलूँगा। हाँ थोड़ी बहुत कदे छः भिन्ना में कदे दो भिन्ना में ऐसा मैं डेली भी को नहीं हूँ उस करका शायद चाहे तो मेरा बाप ये चाहता हो भाई दारू छोड़ दे। अच्छा बच्चे की चोरी मैं बताता हूँ जी, जो एफडी थी कुछ पीछे की 2.5 लाख पहले 2015 में कराई थी वो बच्चे चोर के ले गए हैं और उसको दादा को दे दी गई है। ये मैं परेशान हूँ इन क्वेश्चनों को लेकर भी बच्चे का भविष्य आगे क्या होगा। आज भी अपने अपने हाँ आज भी मेरे ही हैं वो, कोई बात नहीं गलतियाँ हो जाती है बच्चे बुकाए में लग जाए जी। ये मैं उस टेंशन में हो रही हूँ कि बच्चे क्या करेंगे आगे क्या भविष्य इनका, ये मेरे पे इतने झूठे आरोप लग गया दुनिया ने देखा है। मैं ऐसे रोज मेरे पास मीडिया क्यों नहीं आई भाई, मेरे पास क्यों नहीं आई मीडिया आपके पास? एक तरफ सुनो हम आपके गांव में गए थे और ओडा नु बोले गांव के बूढ़े थे दो चार नुका आधे डूमर के भी थे नुका भाई जाइयो ना नौ घंटा साले बैठे नुका अगला कितने घंटा से ले रहे मैं से किसका मार दिया जी बताओ मैंने किसका तलवार मारी है भाई। उन बूढ़े ने भी कहो आप ऐसे ऐसे आप बोलो हो तो समाज में क्या होगा जी, फिर समाज तो खत्म है, कोई किसी का घरे नहीं जा सकता। पहला किसी के काम को मंगड़ा से मारेगा आपने? मन्ने किसी का नहीं मारे जी, मन्ने की मतलब है जी। अच्छा। मेरा घर संभल जाए बतेरा मन तो काम की करेगा आप? मैं थोड़ा बहुत खेतिया कर लूँ थोड़ा बहुत डॉक्टर का छोटा मोटा, अब तो मैं डैमेज हो रहा हूँ थोड़ा भाई, ये बच्चे कह रहे मालिश करावे न्यू करावे, कोई पिता ऐसा नहीं जमया जो नंगा होकर करावे। पुलिस भी आई थी दो बारी उसने भी पता हालत का क्या है सब ना पता, मेरे को चाहिए उगाड़ करके देख लो भाई, मेरे को भी तकलीफ है भाई बच्चे की, मैं पूरी निगरानी रखता हूँ कहाँ गए हैं क्या कर रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मानते किसी की बुकाई में। मतलब जो उनके साथ जो लग रहे हैं वे कोई पुराना को आपका रोड़ा उसने बड़ा चढ़ाया मतलब दिखाने लग रहा है अपना बदनाम करना है जो गांव के या महिलाएं लग रही है। हाँ ये शुरू से मैं किसी का जानता ही नहीं हूँ, ये सोचते होंगे शायद भी यू क्यों बस रहा है भविष्य को बदनाम करे। हाँ यही कारण हो सकता, मैं किसी का जानता ही को नहीं। जब ये गाय गाय ले आने के बाद बच्चे बिगड़ गए, इससे पहले बिल्कुल ठीक था क्यों, इन्हें बाहर जाने का मौका मिल गया और बच्चे
इन लोगों ने बकाने का मौका मिल गया, उसको घुमा रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर। बच्चे हैं वो तो झूठ भी बोलेंगे भाई, पूछ के देखो बच्चों से, बार बार क्वेश्चन पूछो, सच्चाई अपनाए आप जी, डॉक्टर जांच कराओ जी, अगर मैं दोषी हूँ गोली मारो मेरे को, नहीं मेरा सामान मेरे को वापिस दो, जितनी बेइज्जती हुई है मेरी, मेरा सामान कौन देगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा, दे मेरे को सामान, सच्चाई निकालो जी सच्चाई।